मंच पे अवार्ड दिया जा रहा है जुनैद और अखलाक के हत्यारे को। तो जब ऐसा समय आ गया है, जब ऐसे लोगों को ये लोग प्रवक्ता बना रहे हैं, मतलब ये लोग देश में दंगा चाहते हैं, देश में और कितने सैकड़ों जुनैद सैकड़ों आसिफ की हत्या करवाने का ये लोग प्लान कर रहे हैं कि लिए मुसलमानों को टारगेट करो, मस्जिद शहीद करो, मजार तोड़वाओ, मुसलमानों को ठोक देने की बात कहवाओ, और ऐसे लोगों को बीजेपी ऊपर में जगह देता जाए। मैं कह देता हूं कि अब बीजेपी को लोग लात मार के देश से भगाने वाले हैं। क्यों? दलित जब मंदिर जाता है तो लात खाता है, तब बीजेपी का कोई नहीं नेता कहता कि ये गलत हुआ। दलित की बेटी के साथ जब बलात्कार होता है तो बीजेपी का कोई नेता नहीं कहता कि ये गलत हुआ, बोल के पीटा गया। और जब वोट का बात आया तो हिंदू हो गए। तुम इस देश में मुसलमानों की बच्चियों का बलात्कार देखना चाहते हो? तुम इस देश में मुसलमानों के ऊपर जुल्म देखना चाहते हो? जो मुस्लिम को हत्या करे उसको मिनिस्ट्री बना दूं, प्रवक्ता बना दूं, और ऐसे करके मैं बीजेपी का रथ को दौड़ा लूंगा? तो औकात हो तो दौड़ा के दिखा लो। हरियाणा में एक महापंचायत में यह खड़ा होकर 50,000 लोगों के सामने कहता है, जहां भी मुसलमानों को देखो ठोक लो, और किसी की माँ ने दूध पिलाया है तो बचा ले। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रविकांत भारती है। दोस्तों, हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था सूरजपाल अंबू के ऊपर। यह करणी सेना का अध्यक्ष है। हरियाणा में एक महापंचायत में यह खड़ा होकर 50,000 लोगों के सामने कहता है, जहां भी मुसलमानों को देखो ठोक लो, और किसी की माँ ने दूध पिलाया है तो बचा ले। जब ऐसा बात मैंने सुना तो मैंने कहा हरियाणा सरकार को तुरंत प्रभाव से ऐसे व्यक्ति को जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि यह 50,000 बच्चों के दिमाग में हिंसा भर रहा है। ये 50,000 लोग जहां जाएंगे वह हिंसा फैलाने का कार्य करेंगे। तो सूरज पाल जैसे नफरती को मैंने कहा था तुरंत प्रभाव से जेल में डाल देना चाहिए, लेकिन हरियाणा सरकार ने क्या किया? वहां बीजेपी का सरकार है और इसको बीजेपी ने बीजेपी का हरियाणा का प्रवक्ता बना दिया। मैं पहले से ही कहता था कि लॉकडाउन का समय, धारा 144 का समय, इस वक्त एक परिंदा पर नहीं मार सकता, एक ठेला वाला ठेला लेके नहीं निकल पा रहा है कुछ बेचने के लिए। ऐसे में 50,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और प्रशासन के कानों कान खबर नहीं जाता, राज्य सरकार के कानों कान खबर नहीं जाता। मैंने कहा था कि खबर गया होगा और कहीं ना कहीं वहां बीजेपी की सरकार है, तो सरकार अपने संरक्षण में ऐसा कार्यक्रम करवा रही है। आज वह बात सही निकला। उस महापंचायत में अखलाक और जुनैद के हत्यारों को सम्मानित किया गया था। उस महापंचायत में यह मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला था। उस पंचायत में जो आसिफ नाम के लड़के की हत्या हुई, उसके हत्यारों को बाहर निकालने की बात के लिए किया गया था। तो जहां भी मुसलमान, देखिए, बीजेपी बलात्कारी के साथ खड़ा हो सकता है, हत्यारे के साथ खड़ा हो सकता है, दंगाई के साथ खड़ा हो सकता है, शर्त एक ही है कि जो जहर ये उगल रहे हैं सामने वाले मुसलमान पे उगले, जो बलात्कार हो मुसलमानों का हो। और जब ऐसा होगा तो बीजेपी क्या करेगा? ऐसे लोगों को मिनिस्टर बनाएगा, ऐसे लोगों को प्रवक्ता बनाएगा, ऐसे लोगों को रिवार्ड देगा। एक कैसा समाज बीजेपी बनाना चाहता है? दोस्तों, ऐसा बीजेपी क्यों कर रहा है आपको पता है? पंजाब और हरियाणा किसान आंदोलन कितना तीव्र है। पंजाब में तो एक बीजेपी नेता को वो लोग नंगे करके मारे। मैं कहता हूं नंगे करके नहीं मारना चाहिए था। तो हरियाणा में भी बीजेपी का वही स्थिति है। अब इस स्थिति में सुधार लाना है तो एक ही काम करना है, हिंदू मुस्लिम। अब यह बंदा जो मुसलमानों के खिलाफ 50,000 की भीड़ में जहर उगला है, यह करणी सेना का अध्यक्ष, इसको प्रवक्ता बनाना मतलब यही है कि ये लोग चाह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम से मैं वोट को पा लूं। उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव है, 2024 में केंद्र सरकार का चुनाव है। मैं जानता हूं उत्तर प्रदेश में जहां ये हारे कि गुजरात जाना पड़ेगा मोदी जी को, इसलिए उत्तर प्रदेश का चुनाव इतना अहम है। और उस चुनाव में विकास के मुद्दे पर क्या गिनवाएंगे? ये गिनवाएंगे 2 करोड़ रोजगार, ये गिनवाएंगे नोटबंदी करके कालाधन ये कर दिया, ये गिनवाएंगे नोटबंदी करके नक्सलाइट कब बंद कर दिया, आतंकवादी को बंद कर दिया, ये क्या गिनवाएंगे? आज लोगों की जो दुर्दशा है, पॉकेट में पैसा नहीं, बेरोजगार आदमी, हर एक आदमी इतना चिंतित है, इतना परेशान है इस सरकार से कि जब मौका मिले उसी वक्त इस सरकार को पलट दे। अब ऐसे में हिंदुओं के वोट को फंसाना है, और हिंदुओं के वोट को फंसाने के लिए मुसलमानों को टारगेट करो, मस्जिद शहीद करो, मजार तोड़वाओ, मुसलमानों को ठोक देने की बात कहवाओ, और ऐसे लोगों को बीजेपी ऊपर में जगह देता जाए।
और ऐसे बीजेपी चाह रहा है कि मैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा और इस तरह से मैं आ जाऊंगा। मैं कह देता हूं कि अब बीजेपी को लोग लात मार के देश से भगाने वाले हैं। क्यों? पश्चिम बंगाल में क्या हुआ? पश्चिम बंगाल में बहुत बीजेपी हिंदू मुस्लिम किया। पश्चिम बंगाल का हिंदू ने क्या किया? हिंदू ने ऐसा जवाब दिया कि मुंह के बल गिरे। जो अमित शाह 200-200 पार कहते थे, वो अमित शाह का बंगाल चुनाव पे आज तक मुंह नहीं खुलता है। उत्तर प्रदेश में भी नतीजा यही आएगा। ये लोग सोच रहे हैं उत्तर प्रदेश को जीत लेंगे। उत्तर प्रदेश में मेरे जैसे हिंदू हैं। जो कहते हैं हिंदू धर्म प्रेम सिखाता है, सद्भाव सिखाता है, वो हिंदू मुसलमान मिल के रहते हैं, कंधे से कंधा मिला के रहते हैं। जब ऐसे सच्चे हिंदू इन चंद संघियों को और चंद गद्दारों को लेके बीजेपी नहीं बना पाएगा सरकार। दूसरी नंबर बात, दलित जब मंदिर जाता है तो लात खाता है, तब बीजेपी का कोई नहीं नेता कहता कि ये गलत हुआ। दलित की बेटी के साथ जब बलात्कार होता है तो बीजेपी का कोई नेता नहीं कहता कि ये गलत हुआ। लेकिन जब वोट आता है तो दलित भी हिंदू हो जाता है। ये लोग कहते हैं तुम भी हिंदू हो, अगर नहीं खड़े हुए तो ये मुसलमान तुमको छोड़ेंगे नहीं, और हिंदू मुस्लिम करके दलित को वोट को वर्गलाओगे। वाह रे इंसाफ। जब मंदिर में जाने की बात आई तो दलित बोल के पीटा गया, और जब वोट का बात आया तो हिंदू हो गए, हिंदू हो गए। यह देश का जनता इतना चलाक हो चुका है ना, एक बीजेपी के जालसाजी में आने वाला नहीं है। मैं कह देता हूं, मैं रविकांत भारती उत्तर प्रदेश के सभी जिले में जाऊंगा और वहां पे मैं भाईचारा संकल्प दिलाऊंगा। भाईचारा संकल्प क्या होगा? हिंदू और मुसलमान बस्ती में मैं जाऊंगा और वहां पे मैं कहूंगा कि हम लोग एक इंसान हैं और सभी से प्रेम करेंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। और मैं ये भी प्रण दिलवाऊंगा कि जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को बांटे और बांट के नफरत फैला के वोट लेने का कार्य करे, ऐसे पार्टियों को हम लोग वोट नहीं देंगे। मैं उत्तर प्रदेश के सारे जिले में जाके और ज्यादा से ज्यादा जगह पे मैं लाखों करोड़ों लोगों के साथ ये चीज करूंगा, और मैं आंख खोल दूंगा बीजेपी सरकार का कि किस तरह से तुम सत्ता हिंदू मुस्लिम करके आ जाते हो। आके दिखाओ, तुम सूरज पाल को प्रवक्ता बना के यही साबित करना चाहते हो कि तुम इस देश में कत्लेआम देखना चाहते हो? तुम इस देश में मुसलमानों की बच्चियों का बलात्कार देखना चाहते हो? तुम इस देश में मुसलमानों के ऊपर जुल्म देखना चाहते हो? हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े और तुम लोग अपना राजनीतिक रोटी सेको, सत्ता में आओ। 2014 में सत्ता दिया गया था, क्या किया तुमने? क्या किया 2014 में सत्ता दिया गया? रोजगार दिया, 2 करोड़ रोजगार देने को कहा, 15 लाख रुपए दिया, कुछ नहीं दिया। जब कुछ नहीं दिया तो अब ये देना क्या चाहते हैं? देना चाहते हैं दंगा, ये देना चाहते हैं नफरत। यहां तक कि सूरज पाल जो इसके बच्चे मुझे फोन कर रहे हैं, इसके चेले चपाटे फोन कर रहे हैं कि तू इस बार गलत ट्रैक पे जा रहा है, तुझको मार देंगे, तेरी हत्या कर देंगे, इस तरह का फोन आ रहा है। तो इस तरह के नफरती लोगों को प्रमोशन करके बीजेपी यही चाहता है कि बलात्कारियों को मैं मंत्री बना दूं, मैं जो मुस्लिम को हत्या करे उसको मिनिस्ट्री बना दूं, प्रवक्ता बना दूं, और ऐसे करके मैं बीजेपी का रथ को दौड़ा लूंगा। तो औकात हो तो दौड़ा के दिखा लो। किस तरह से बंगाल में मुकुल राय क्या हुआ, बीजेपी से गया, भक्तों के मुंह पे तमाचा लगा, मोदी फोन कर रहे हैं फिर भी वो बंदा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद पे लात मार के टीएमसी में चला गया। ठीक उसी तरह से उत्तर प्रदेश, उसी तरह से हरियाणा और सब जगह धीरे धीरे अब बीजेपी को खदेड़ा हो गए। बंगाल में खेला होबे हुआ था, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और अब केंद्र में जो चुनाव होगा उसे बीजेपी को खदेड़ा जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान का जनता जाग चुका है। वो सही मायने में सच्चा हिंदू है, वो जानता है हिंदुत्व जो है सर्वे भवंतु सुखिनः, सभी लोग सुख में रहें, सभी लोगों से प्रेम और सद्भाव से रहा जाए। जब सभी लोग मिलजुल के प्रेम से रहेंगे तभी यह देश तरक्की करेगा। नागरिक नागरिक को लड़ा के और अपने विकास के मुद्दे को छुपाना चाहते हो, नागरिक नागरिक को लड़ा के पेट्रोल के दाम को छुपाना चाहते हो, नागरिक नागरिक को लड़ा के गैस के दाम को छुपाना चाहते हो, नागरिक नागरिक को लड़ा के बेरोजगारी, कालाधन, इन सारी बातों को छुपाना चाहते हो, लोगों को तुम भूखे मारने का कार्य किए हो। ये जनता सब जान गया है, जनता के पॉकेट में पैसा नहीं है, और जब पॉकेट में पैसा नहीं है ना तो जनता लात मार के नहीं भगाया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। वही मैं कह रहा हूं दोस्तों, कहा जाता है ना
कि जब घड़ा पाप का भर जाता है तो फूटता है। जब से 2014 से मोदी सरकार आया, लिंचिंग लिंचिंग लिंचिंग, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, अब यहां तक बात आ गई है कि मंच से कहा जा रहा है मुसलमानों को ठोक दो, मंच पे अवार्ड दिया जा रहा है जुनैद और अखलाक के हत्यारे को। तो जब ऐसा समय आ गया है, जब ऐसे लोगों को ये लोग प्रवक्ता बना रहे हैं, मतलब ये लोग देश में दंगा चाहते हैं, देश में और कितने सैकड़ों जुनैद सैकड़ों आसिफ की हत्या करवाने का ये लोग प्लान कर रहे हैं, तो वह प्लान इस देश का सच्चा हिंदू कभी भी सफल होने नहीं देगा। ये चंद संघी और नकली हिंदू तुम लोग नफरत और केवल घिनौना बात नफरत फैला के तुम लोग चाहते हो भारत के नागरिकों को बांट के और उनको गरीब बनाए रहोगे, यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा। समय का वेट करो, कहा जाता है ना समय ठीक दिखा देगा। 2022 में मैं शर्त लगाने को तैयार हूं, 2022 में योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश से छुट्टी हो रहा है और 24 में मोदी जी का। अगर हिम्मत है तो ये चाहे सूरजपाल को प्रधानमंत्री का भी पद एक हफ्ते के लिए महीने भर के लिए दे दे, रिजल्ट सामने आएगा दोस्तों, आप लोग अपने आंख के सामने देखिए।